हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे एग पोटैटो कटलेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले एक बाउल में हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए पोटैटो। इसे हमने अच्छे तरीके से मैश करके रखा है और साथ ही ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 मुट्ठी हरा धनिया। अब इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक दूसरा बाउल में ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना मिक्स हर्ब, ये ऑप्शनल है। अब इसे मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक थिक स्लरी बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 अंडों को बॉईल कर लिया है और इसके इस तरीके से 1 अंडे के 4 पीसेस कट कर लिए हैं। और अब हमने जो आलू का बैटर रेडी किया है इसकी एक टिक्की बना लेंगे और इसके जो है सेंटर में अंडे को रखकर इसे चारों तरफ से कोट कर लेंगे। और अब इस कटलेट को पहले स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद में ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। बाकी सारे कटलेट भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और सारे कटलेट्स को लाइट गोल्डन हो जाने तक के फ्राई कर लेंगे। रेडी हमारा एग पोटैटो कटलेट्स। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।